दहनी काटा, बाई काटा, अगली काटा, पिछली काटा, परसुया काटा, के काटा, गुरु काटा, गुरु मंत्र से मैं काटा, हे काम रो काम उसे हाथ में लोटा कान में पालना। कुछ तो है जो कि आत्मा होती है, कुछ तो है वो अनुभव हम भी किए, क्योंकि हम भी किसी काली दुर्गा भगवती को पहले पूजते नहीं थे। पूरी के नारायण मूर्ति जय माता राजा जय तारा। अच्छा ये बताइए बाबा जी, अब इनकी समस्याएं खत्म हो गई होगी? इनका समस्या जो भी है वो तो मैया की कृपा से खत्म ही हो जाएगा। तो चीता, चीता का जो है कि अच्छा चीता भी खा जाते हैं? चीता का बेदी हाँ, लगाते हैं हाँ, वो उसकी मांस का भी हम लोग आहार किया जाता है। मानव को भी खाते हैं? मानव का ही वही मांस। इस वक्त हम धर्म और आस्था के नगरी देवघर में हैं, त्रिकुट पर्वत के पास में, जहां पर एक बाबा जी का कुटिया है। यहां पर आपको बता दें कि बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड से जो लोग हैं अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं और बाबा के पास दिखाने के लिए आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है, अजय नाथ औघर बाबा, यानी कि ये औघर बाबा है, बाहर एक बाबा बैठे हुए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। बाबा जी बताइए आपका काम क्या है? जी हम अर्जी लगाते हैं। अच्छा, यानी कि पर्ची उर्ची काटते हैं? जी जी जी। जैसे कि लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर बाहर पर्ची उर्ची काटा जाता है, वैसे ही आप यहाँ पर? जी जी, भीड़ हो जाने के कारण जो है ना पर्ची नहीं काटेंगे तो लोग आगे पीछे होने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, इसलिए पर्ची काटते हैं। अच्छा, यानी कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, भीड़ भी लगती है? जी जी, भीड़ लगती है। और बाबा जी अंदर है, बाहर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो है दूर दूर से अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए, उनसे हम बात करेंगे। ये बताइए माता जी आप कहाँ से आए हैं? ये घर मरा से। अच्छा, क्या समस्या है आपके साथ? लड़की का नाम। अच्छा, इनके साथ समस्या है? हाँ। क्या समस्या है आपके साथ? बोल, मेरा शरीर में कष्ट है। अच्छा, क्या यहाँ पर आने के बाद जो भी समस्या रहता है वो खत्म हो जाता है? हाँ, अभी ठीक लग रहा है। अच्छा, बाबा जी के बारे में आप लोग कब से जानते हैं? जानते हैं बहुत दिन से। बहुत दिन से जानते हैं। चलिए हम बाबा जी से बात करते हैं। बाबा जी जय सिया राम, राम राम, कैसे हैं आप? जय माता रा, हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा है। आप सभी का दुआ, माता रानी का दुआ है। हाँ। अच्छा बाबा जी ये बताइए कौन से अखाड़े के आप हैं? मैं पंच दस नाम दूना अखाड़ा से हूँ। हाँ। मेरा अजय नाथ अघोड़ मेरा नाम हुआ। हाँ। मेरे गुरुजी का श्री श्यामा नाथ अघोड़ी जी है। हाँ। और मैं 15 साल पहले। बाबा जी आपके पास कहाँ कहाँ से लोग लगभग आते हैं? ये दिल्ली, हैदराबाद है, चेन्नई है, जम्मू है, उड़ीसा है, बंगाल है, बिहार, झारखंड, ये सब जगह से भरे हुए हैं। हाँ। अभी माँ का चल रहा है नवरात्रि, जिस वजह से थोड़ा सा अभी कम है। अच्छा। और नहीं तो लोग तो यूं ही काफी ज्यादा भीड़ परेशान रहते हैं। मंगल और शनिवार को आप देखते हैं? जी 10 से 12 बजे तक, नहीं सॉरी 8 से 12 बजे तक। जी मॉर्निंग। बताइए क्या क्या समस्या होता है उसका निदान कर देते हैं? जैसे कि कोई भी जो अपना प्रॉब्लम लेके आए हैं उनको पहले बता देते हैं, ठीक है, कि उनको कोई किया गया है, प्रेत वादा है, बीमारी से है, जैसे भी है। जैसे इनको मैं बताया अभी, इन्होंने किसी से कि जो बैठे हैं सामने ये किसी से कोई बात नहीं बोले थे। इनका मैंने देखा, इनका घर सही है, तनाव थोड़ा ज्यादा हो रहा है। 2-2.5 साल से ये लोग घर पे परेशान है, घर पे मति छिन जैसा रहता है गाँव, और सारी नूतन जो पेशेंट बैठी है इनको सारी तनाव है, बीमारी की आसरा, इन पे दवाई भी मैच नहीं कर रहा है। अगला से पूछ सकते हैं ये सब इनके साथ घटना हो रही है। सर बाबा जी आप ऐसा क्या करेंगे कि इनकी जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी? बस आस्था है, बस मैं ये तो जानता हूँ कि दुआ करता हूँ, जैसे कि दुआ करते हैं जिस मंत्र को हम साधक किए हैं। बाबा जी बताइए कि बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के जो लोग हैं खासकर वो आस्था पे विश्वास करते हैं? जी जी। लेकिन बाकी जगह के लोग हैं वो नहीं मानते हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? हमारे पास तो ऐसा है कि जो इससे नहीं भी मानते वो भी हमारे पास शिष्य बन चुके हैं और वो लोग भी लाइन लगा के रहते हैं। हाँ। जैसे कि हमारे अभी तमिलनाडु से आए थे तो वो लोग किसी को नहीं मान रहे थे, एक तो बोले मैं भगवान को नहीं मानता, गॉड को नहीं मानता। जब उनके पास वो हमारे पास बैठे तो उनकी समस्या ने जब मैं उन्होंने बताया तो उनको विश्वास हुआ, लेकिन वो बोले कि नहीं फिर भी देखते हैं। और देखने के बाद 2 महीने के बाद उनकी कार्य जब हुई तो वो बहुत बड़े हमारे भक्त बन गए जो किसी गॉड को नहीं मानते थे। ऐसे भी है हमारे पास इस लोग है ना। लेकिन ये तो सत्य है, कुछ नहीं कर्म से बड़ा कुछ नहीं है, मैं जानता हूँ और हम लोग के गुरु भी शिक्षा देते हैं। लेकिन कुछ तो है जो कि आत्मा होती है, कुछ तो है वो अनुभव हम भी किए, क्योंकि हम भी किसी काली दुर्गा भगवती को पहले पूजते नहीं थे। अच्छा। क्योंकि मेरा बचपन में जब मेरी मामा मम्मी पापा डेड कर गए, जब घर में खाने के लिए अनाज नहीं था, दर दर भटकते थे मजबूरी में, ऐसा कि लोग के यहाँ बर्तन भी धोआ करते थे, बहुत समस्या आई है ना। तो उसके
बाद जब हमने देखा कि अब बोले कि बाबा बन के ऐसा नहीं, हमने होटल थिएटर मोटर करके उसके बाद शमशान हम ये इस धर्म को हम अपनाए क्योंकि अच्छा, इसमें हमको सत्य दिखा। बाबा जी बताइए कि आप अभी तक लगभग कितने लोगों की समस्याओं को खत्म कर चुके होंगे? लगभग लाखों से ऊपर होगा, लाखों लोगों की, लाखों से ऊपर। अच्छा बाबा जी बताइए, अघोरी बाबा है जी, इसमें क्या क्या खाते हैं आप लोग? अघोरी में होता की जैसे की हम लोग चीता चीता का जो है की चीता भी खा जाते हैं, चीता का बेदी लगाते हैं, उसकी मांस का भी हम लोग आहार किया जाता है। मानव को भी खाते हैं? मानव का ही वही मतलब मनुष्य की मांस डेली खाते हैं क्या? नहीं, वो अमावस में होती है, महीना में एक बार अमावस में अपना मंत्र को साधक करते हैं, प्लस में माँ को भोग लगाते हैं मदिरा, और मदिरा के साथ वो मीट भी लगाते हैं मनुष्य का मांस को, उसके बाद उसे मछली भी माता को चढ़ाया जाता है, ये सब भोग लगाता है, और कई बार इन्हें हर अमावस में खाना पड़ता है। इसके मतलब जैसे कि अभी देखा जाए तो कुल मिला के 40-50 बार मैं तो खुद आहार किया हूँ इसे, ये तो आम वाली बात है हम लोगों के लिए। ये डंटा उंटा रखे मारते भी है क्या? इससे झाड़ते हैं, ये माँ का वेद है, ठीक है भाई। जैसे मैं आप झाड़ के बताइएगा उनको कैसे झाड़ते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा इधर चाची, थोड़ा सा आगे आ जाइएगा, देखिए बैठिए, थोड़ा बाल मतलब खोल लीजिएगा। तो ओम दित्य मानी संसार भूटे श्री मंगला चमंडन के वासिनी विनाशक इंद्र की ब्रह्मा साले हे काली कल गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परमात्मा तस्मे श्री गुरु हे जगत जन माता जमा हटे मुंदे तप तालन घर घर उंडे जा अपने बानु बज गए हटे मुंदे तप तालन घर घर उंडे जा अपने बानु बज गए हटे मुंदे तप तालन घर घर बनु डेना जा अपने बानु बज गए एक एक चले दुवे दू चले छना कटी एक चले सती के सच चले धर्म चले कर्म चले सवा धरती चले मसान तोरे चले पुरु बना पछि बना बीस पछि बना असल डेन इनपुट बता सने माए दिन डेन बना बापे पुत्र हजा बना खुटा सिंह फिरगा के बना गुरु बना गुरु मंत्र से मैं ही नैना जोगनी कम कर अगुवारी भूत हाथ में लोटा कान में ठाकुर आसन बना बासन बना बना दे मूर्ति करे हार करे मास कर सीता सती द्रौपदी एक पाप न चंडी मसास की अजरेशर बजरेशर हटे बारे सात डैन बना कौन कौन उल चल चुले के बना गुरु बना गुरु मंत्र से मैं ही नैना जोगनी का मुख्या धर बना धरती बना बना दिर चढ़ में कार्य मन सब उठ चरमा का कर ला जब हो जा रोग कर भूसा उठ चमकाश तो कर ला जब हो जा रोग कारण दर भूसा पहाड़ चलना पर्वत चलना रोग कारण भूत पिशाच डैन जोगिन दरद पीरा तोरे चलना अगर शरीर में रहत माया विशेष पचास गुण गति धरती दुनिया में जितना पोष प्राण में सब तोरे बदल गया सिल सिलोटी सिलोटी पर सिलोटी ई गुंजा टूटी जा संजा गोरा पार्वती तीन देव के माता प्रति द्वासी ओम जयंती काली मंगला काली भद्र काली कपाल दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सवधान सर्व मंगले मंगले शिवे सर्वा साध के शरण में गौरी के नारायण मृत जय माता राजा जय तारा। अच्छा ये बताइए बाबा जी, अब इनकी समस्याएं खत्म हो गई होगी? इनका समस्या जो भी है वो तो मैया की कृपा से खत्म ही हो जाएगा, जो भी कृपा मैया करेगी उसी का अनुसार से हम लोग भी अपना काम करते हैं। जय माँ तारा जय जय तारा। अच्छा यानी कि आप झारपुर झारपुर? हाँ झारपुर करते हैं, और मतलब देते हैं शांति का, अच्छा देते हैं घर परिवार सुख शांति रहने के लिए, और जो काम निकलता है प्रत्येक रविवार मसान में जो काम होता है उसका मतलब पर्ची बना के दिया जाता है, वो प्रत्येक रविवार मसान में काम किया करते हैं हम लोग। यानी कि आपको बता दें कि त्रिकुट पर्वत के पास ये देवघर में स्थित है, और यहाँ पर बाबा जी जो है वो कुटिया में बैठते हैं,